भारतीय नौसेना का मुरीद हुआ बुल्गारिया। इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। बंधकों को छुड़ाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभार। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडव ने ये धन्यवाद दिया है। पे जिस तरीके से इंडियन नेवी इस टाइम खास तौर पे इंडियन ओशन में अपना काम करती दिखाई दे रही है, बल्कि कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान नेवी ने हेल्प बकायदा तौर पे इंडियन नेवी से मांगी थी, वहां से उनके प्रोफेशनलिज्म और उनकी टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। माली पायरेट्स ने कश्ती पर हमला किया और 3 महीने से उनके कब्जे पर थी, तो उनकी नेवी को छुड़ाया इंडियन नेवी ने जाके उनके लोगों को उनके कब्जे से छुड़ाया इंडियन ने। और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी, से मतलब अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने अपनी तरफ से अपनी मतलब एफर्ट्स दिखा। वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं बजाय लंदन में महल्लात खरीद रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि डे बाय डे वो हर एक चीज के अंदर दुनिया को हेल्प आउट करने चाह रहे हैं, दुनिया की मदद करना चाह रहे हैं, तो क्या इस तरह की कारकर्दगी हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया की प्रॉब्लम्स में इजाफा कर? कहती है आप कितना एक्टिव है वो इस वक्त, हर किसी की मदद के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है अगर हालात को देखा जाए और इस तरह से सारी चीज़ों का मतलब मद्देनजर रखा जाए तो जाहिर सी बात है उन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा और वो लोग हैं भी इस टाइम पे, तो इट्स एक्टिव है वो, क्योंकि जैसे कि हम आप कह रही हैं कि मतलब हालात इस तरह के चल रहे हैं कि उन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा ताकि वो ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो रखते हैं, देखिए जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं, जहाँ पे बुरे हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, तो इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग तो वो लोग रखते हैं। बाकी जहाँ तक पॉलिटिक्स या मतलब कंट्रीज को देखा जाए तो उस हिसाब से उन लोगों को भी कुछ पॉलिसीज या कुछ मतलब चीज़ों को, रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं। साजिश देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि बुरे और अच्छे दोनों लोग पाए जाते हैं, तो अगर देखा जाए तो शायद वो लोग कर भी रहे हो, लेकिन इस टाइम पे अगर देखा जाए तो वो लोग मतलब मदद के लिए आ रहे हैं या मदद कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग से अगर हम उन्हें जज करें तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो कर रहे हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो कर रहे हैं, नहीं नहीं मदद कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो साजिश कर रहे हैं कुछ इस तरह से। आपके हिसाब से भारत दुनिया के हेल्प अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि उन्होंने तुर्की की भी मदद की, श्रीलंका की भी मदद की, दुनिया भर के ममालिक की वो मदद करते हैं, आपके हिसाब से भारत ह्यूमैनिटी कितनी प्रमोट कर रहा है? अगर देखा जाए ओवरऑल तो मेरे अकॉर्डिंग लाइक 75-80% तक कहा जा सकता है, इस रैंकिंग में जा सकते हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, लाइक देखें हर इंसान को आजकल अपने फ़ायदे की भी बात देखनी पड़ती है, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो वो शायद कर भी रहे हैं और कुछ चीज़ों में वो लोग नहीं भी कर रहे हैं, जैसे मतलब अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी तरफ से अपनी मतलब एफर्ट्स दिखा रहे हैं। तो उन्होंने मदद की श्रीलंका की जब वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर आ गए थे, आगे से उनको क्या मिला? उन्होंने मदद की तुर्की की जहां जलजला आया, आगे से तुर्की ने उनको क्या दिया? दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता जिसने इस ऑपरेशन को किया और कहा जाता है कि एक P-81 मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया और INS कोलकाता एंड INS सुभद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मींस कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप,
और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया, और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी जारी बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाये की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर, बेसिकली वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जो जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे, और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे फिर, और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोट्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी, और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोविन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किस से मदद लेता? सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी? सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको साइन शुक्रिया अदा किया इंडिया का, देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया, जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, बल्गारिया के प्रेजिडेंट ने ट्विटर पर इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जय शंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता ये है सॉफ्ट पावर, अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पर जाएंगे जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं।